नमस्कार दोस्तों। दोस्तों बंधन क्या है? बंधन का शाब्दिक अर्थ होता है बांधना। जिस तरह से किसी मनुष्य को रस्सी में बांध दिया जाए तो वो असहाय हो जाता है और कुछ नहीं कर पाता, उसी प्रकार आपके घर, आपके व्यापार, आपके व्यक्तित्व को जादू टोने यानी तंत्र मंत्र से अगर कोई बांध दे तो उसकी प्रगति रुक जाती है, घर परिवार में सुख शांति बाधित हो जाती है। यही बंधन है। बंधन करने वाला व्यक्ति आपके परिवार का बुरा करना चाहता है। जिस भी व्यक्ति पर परिवार की जिम्मेदारी होती है, जो उस घर का मुखिया होता है, जो उस परिवार का तारणहार होता है, समस्त परिवार की जुद्धुरी होता है, अचानक उखड़ जाता है, अचानक उसके घर में कलह शुरू हो जाती है, उसकी सारी समझदारी, उसकी सारी जिम्मेदारी पता नहीं कहाँ चली जाती है, वो परिवार के लिए चिंता का कारण बन जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ बंधन की वजह से ही होता है। आपने देखा होगा कि बंधन से दूसरे का घर तबाह हो जाता है। कोई परिवार संपन्न है, उसके घर में सब कुछ है, ऐश्वर्य है, विद्या है, सर्व गुण संपन्न परिवार है, उसकी सहजता का उदाहरण पूरा समाज देता है। बच्चे शादी योग्य हो गए हैं, फिर भी उनकी शादी नहीं हो रही है, अनावश्यक रुकावट उसके जीवन में आने लगती है। ऐसा बंधनों की वजह से ही होता है। आपके घर में अथाह प्रेम है, पति पत्नी में बहुत समझदारी है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, अचानक उनमें कटुता आ जाती है, उनमें झगड़ा शुरू हो जाता है। जो अब तक पूर्ण विश्वास था, सम्मान था, वो कहीं झगड़े में बदल जाता है, स्थिति तलाक तक आ जाती है। ऐसा सिर्फ बंधनों की वजह से होता है। हमारे घर में या आसपास में फल फूलों से लदा हुआ कोई वृक्ष है, पक्षी उस पर चहचहा रहे हैं, उस वृक्ष से हमें छाया मिलती है, फल मिलते हैं, अच्छी हवा मिलती है, अचानक पेड़ सूख जाता है, हमें भय की अनुभूति होने लगती है और मन में अनेक तरह के प्रश्न उठने लगते हैं। ये बंधन है। इस समाज में अनगिनत लोग ऐसे हैं जो आपका बुरा चाहते हैं। उसी वजह से जादू टोना या बंधन किया जाता है। किसी भी चीज को बांध देना बंधन कहलाता है। उसमें आपका परिवार हो सकता है, उसमें आपका व्यापार हो सकता है, उसमें आपकी अच्छाई सच्चाई हो सकती है, उसमें आपका जीवन हो सकता है। बंधन करने से परिवार नष्ट हो जाता है, सुख शांति गायब हो जाती है, सारी खुशियां जाने कहां चली जाती हैं, फिर भी लोग बंधन करते हैं। इसलिए जादू टोने वाले लोगों से या किसी से ज्यादा कटुता ना रखें। लोग आपका बुरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैंने आपको ये बताया कि बंधन क्या होता है। फिर किसी वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि बंधन से मुक्ति कैसे मिल सकती है, आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे बंधन से मुक्ति मिल जाए। मेरे दूसरे वीडियो का इंतजार कीजिए, जल्दी ही मैं दूसरा वीडियो दूंगा। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।